सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को मेरा प्रणाम और मेरा प्रणाम आप लोगों को स्वीकार हो। आज इस वीडियो को आप थंबनेल पे पढ़ के समझ ही गए होंगे क्या मैं बात करने वाला हूँ और क्या क्या संदेश आए हैं साहब जी के फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के बीच। उन सभी संदेशों को आप लोगों को बीच पढ़कर सुनाने वाले हैं और बताने वाले हैं और कब साहब जी लाइव आएंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी है लगभग तीन महीने बाद साहब जी हम लोगों के बीच फिर से लाइव आएंगे। तो चलिए नहीं ज़्यादा कुछ बोलते हुए आप लोगों को बता दें कि आज से लगभग 3 महीना पहले साहब जी अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव आए थे और हम लोगों से नाराज़ हुए थे क्योंकि हम लोगों एक भी बातों का पालन नहीं करते थे, यानी साहब जी कहे हुए बातों को पालन नहीं करते थे और न ही हम लोगों को चर्चा बंद करते थे, जो कि अभी भी चर्चा होते ही हैं, जो कि साहब जी के और से संदेश आ चुके हैं कि साहब जी के अभी तक चर्चा चलाने का अलाउ नहीं किया, ये चर्चा हम लोगों के बाजा के माध्यम से करने का अलाउ नहीं दिए, नहीं घर घर जाके बोलने का भी अलाउ नहीं दिए, बल्कि अपने फ़ोन सेलफोन के माध्यम से आप चर्चा कर सकते ऐसा अलाउ दिए थे। खैर कोई नहीं, साहब जी का फेसबुक पेज के माध्यम से क्या संदेश आए हैं तो आप लोगों के बीच पढ़कर सुनाते हैं। तो चलिए आप स्क्रीन के दिया हुआ है आप पढ़कर देख सकते हैं, चलिए साथ पढ़ते हैं। सूचना दिनांक 25/10/2020 दिन रविवार को विजयदशमी के शुभ अवसर पर इस धरती पर शिव श्रेष्ठता के जनक साहब श्री हरिंद्रानंद जी अपने फेसबुक पेज के माध्यम से हम सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों से बात करेंगे। यानी इतने दिन के बाद साहब जी बोल दिए कि मैं इस विजयदशमी जो रविवार के दिन है उस दिन हम सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों से अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव बातें करेंगे और जो भी कमेंट होंगे उन कमेंटों को साहब जी पढ़ेंगे और आप लोगों के जितने भी जिज्ञासा हैं जो भी गुरु भाई एवं गुरु बहनों जो भी हैं जितने भी आप लोगों के दिल में कुछ भी जिज्ञासा है आप कमेंट कर सकते हैं, आपके बाद उस फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोगों के बीच उन सभी जिज्ञासाओं का हल हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अधिक से अधिक साहब के पेज फेसबुक पेज को फॉलो करें और उस दिन जाएं। तो चलिए आगे और पढ़ते हैं और क्या क्या लिखे हैं और क्या क्या बताए हैं हम लोगों के बीच क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि काफ़ी समय के बाद साहब ने हम लोगों से बात करने पर अपनी सहमति प्रदान की है। यानी जो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि बहुत समय के बाद साहब जी बोले कि चलिए आज अपने शिव श्रेष्ठता परिवार से बात कर लिया जाए, क्या हाल क्या समाचार हैं, हम सभी का कैसे करते हैं अपने गुरु का कार्य, क्या नहीं करते हैं, कितने हमारे शिव शिष्य परिवार में नए गुरु भाई एवं गुरु बहनें आए हैं, इन सभी बातों को फेसबुक पेज के माध्यम से हम लोग साहब के पास शेयर करेंगे और साहब जी कोई बात को जानकारी होंगे और साहब जी क्या बोलते हैं। तो चलिए वीडियो जिस दिन लाइव आएंगे उस दिन पता चलेगा, फिलहाल आगे की ओर चलते हैं। अतः इस अवसर का लाभ उठाएं और इस दिन समय 1 बजे दोपहर को फेसबुक पेज के माध्यम से साहब श्री हरिंद्रानंद जी से जुड़ने का प्रयास करें। यानी जो रविवार विजयदशमी के दिन है उस दिन साहब जी लाइव आएंगे पूरा 1 बजे, यानी 1 बजे साहब जी लाइव आएंगे और हम लोगों सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप अधिक से अधिक गुरु भाई एवं गुरु बहना जुड़ें हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से। हम आप लोगों के बीच आ रहे हैं और हम आप लोगों के बीच फेसबुक पेज के माध्यम से बातें करेंगे, आप लोगों के दिल में जितनी भी जिज्ञासा होगी हम उन सभी जिज्ञासाओं का हल करेंगे।
साहब जी का कहने का अर्थ ये हुआ फेसबुक पेज के माध्यम से लिखे हुए। और आप, मेरा भी एक सलाह है कि आप जितने भी गुरु भाई एवं गुरु बहना है, अगर फेसबुक पेज के माध्यम से अगर आप लाइव नहीं सुन सके तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो में जो भी साहब जी के पास फेसबुक पेज के माध्यम से वीडियो बनेगी, उस वीडियो को मैं इस पेज अपने चैनल पे डालूंगा, आप लोग के बीच चल जाएगा। खैर, ये बात तो बातों में, बाद में भी बात कर सकते हैं। फिलहाल साहब जी की ओर से और क्या जिज्ञासा है, क्या बातें आए हैं, उनको पढ़ते हैं। धन्यवाद। सहित अर्चित आनंद, निजी सचिव, साहब श्री हरिंद्रानंद जी, रांची, झारखंड। यानी सब सारे बात तो उसी समय बोल चुके हैं, जो कि अधिक से अधिक आदमी आए। और साहब जी का कहना ये भी है कि भीड़ लगाकर एक जगह ही नहीं बैठे, और न ही कभी भीड़ लगाकर फेसबुक पेज के माध्यम से, जैसे हम लोग कहीं भी टीवी देखते हैं तो एक ही जगह 10-10 आदमियों के उसका भी विरोध कर रहे हैं। हम लोग सभी गुरु भाई बहन एवं साहब जी के अनुसार हम सभी अभी कोरोना के काल में हैं, और इसमें सरकार के ही ओर से, यानी श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उनके ओर से आए कि अभी तक कोरोना का काल गया नहीं है, और अधिक से अधिक दूरियां बना कर रखें, मास्क पहन कर रखें, अगर 2-4 आदमी देखते भी हैं तो मतलब 1.5 मीटर का दूरी बना कर देखें, और वीडियो अपना फेसबुक पेज के माध्यम से साहब का बातों सुने, और मुंह में मास्क लगा कर, 4 आदमी तक अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मास्क लगाना बहुत ही अति आवश्यकता है, आप लोग मास्क ज़रूर लगाएं। तो चलिए, आप लोगों के बीच मैं भी छोटा सा बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के बीच साहब जी का फेसबुक पेज पे आप नहीं जा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी छूटे बड़े भाई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिंगर डीके हिंदुस्तान ऑफिशियल को आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा भी दबा दीजिए, ताकि जब साहब जी का लाइव वीडियो बन के तैयार हो जाएंगे, हम लोगों से बात किए हो जाएंगे, तो उस वीडियो को मैं अपने चैनल पे डालूं और आप लोगों के बीच जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंच जाए, और आप लोगों के बीच जितने भी जिज्ञासा होंगी और आप कमेंट करें अपने मेरे उस वीडियो में, और इस वीडियो में भी कमेंट करें जितने भी जिज्ञासा है, तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों के बीच, आप लोगों का जितना भी जिज्ञासा है साहब के पास शेयर करने का। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बल्कि आप लोग वीडियो से भी बोर हो जाते हैं। तो खैर, हमारे जितने भी सच्चा दिल से जो भी गुरु भाई बहन गुरु बहने हैं, तो सभी कभी वीडियो शिव चर्चा देखने में देखते बातों को सुनते हैं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, ऐसा बहुत सारे हमारे गुरु भाई एवं गुरु बहना हैं जो कि बातों को ध्यान से सुनते हैं, और अपना जो भी जिज्ञासाएँ होते हैं कॉमेंट करते हैं हमें, उसका कॉमेंट का जवाब भी हम देते हैं। और उतना समय नहीं होता है भाई लोग, जो कि आप लोगों का हर एक जिज्ञासा मतलब जो भी आती है उसको पढ़ नहीं पाते हैं सही से, और धन्यवाद के अनुसार हम कॉमेंट का जवाब दे देते हैं। खैर, अब से आप, आज से ही आपका जो भी कमेंट आएगा, हर एक कमेंट पढ़ा जाएगा और लिखा जाएगा, और जो भी कमेंट होगा, उस जो भी जिज्ञासा होगा आपका, उस जिज्ञासा को हम हल करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हमसे जो बड़े गुरु भाई हैं उससे हल करवाने की कोशिश करेंगे लाइव आकर इसी चैनल के माध्यम से। फिलहाल हम साहब जी के जो लाइव आने का दिन है रविवार, यानी विजयदशमी, याद रखिए विजयदशमी को ही साहब श्री हरिंद्रानंद जी लाइव आएंगे दोपहर एक बजे लाइव आएंगे। आप साहब श्री हरिंद्रानंद जी के फेसबुक पेज को जाके फॉलो कीजिए और जुड़ जाइए, जब भी साहब लाइव आएंगे आप लोगों के बीच जरूर कमेंट आएगा, मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप वहां पर जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए, तो आज वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और आप लोग भी बोर हो गए होंगे। फिलहाल मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हाय दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त डीके दोस्तों, और ये मेरा छोटा भगना है जो कि इसका नाम है शामुल, और मेरा भगना लाल है। कैसा है मेरा ये भगना, आप लोग कमेंट करें, अगर वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो अवश्य कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए, नहीं ज़्यादा कुछ बोलते हुए वीडियो को एंड करते हैं, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि मैं एक शिव चर्चा का गीत लेकर आ रहा हूँ, और उस शिव चर्चा गीत को प्यार दें दुलार दें, मैं छोटा सा गा देता हूँ, और आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार कमेंट जरूर करें कि भैया गाना लेकर आइए। मेरा गाना ये है, कैलाश पर्वत से शिव जी आईल, सब हरिंदर के शीश बनाईल, संघे दीदी नीलम अर्चित आनंद, संघे दीदी नीलम अर्चित आनंद, लागे शिव जी के मेला सखी,
शिव गुरु के नाम ले लसकी, बनाई गुरु बर बन चेला सखी। शिव गुरु के नाम ले लसकी, बनाई गुरु बर बन चेला सखी। तो आप लोगों को कैसा यह गाना लगा, कैसा पसंद आया तो मैं नहीं जानता हूँ, पर कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा मेरा यह गाना। तो आज के लिए इतना ही, मैं आप लोगों का दोस्त डीके हिंदुस्तानी और मेरे छोटा सा भगना क्यूट भगना सामो, फिर से आप सभी गुरु भाई बहन गुरु बहनों को प्रणाम।